रविवार को बहुजन मुस्लिम महासभा ने भारतीय लोकतंत्र व संविधान पर बढ़ते हुए खतरे को लेकर एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद साध्वी सावित्री बाई फूले, नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान और मुस्लिम बहुजन महासभा के प्रवक्ता ताहिर सिद्दीकी मौजूद रहे। इस दौरान ताहिर सिद्दीकी मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रोग्राम में आप लोग, जैसे ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया, तो इसमें क्या कुछ महत्व रहा, क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से? देखिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान हमारा खतरे में है और नागरिक एकता बिल संशोधन जो आ रहा है उसके खिलाफ हमने कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि देश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मनुस्मृति का कानून जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाह रही है, जिसको लेकर के मैंने हर पार्टियों के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग एक मंच पर आए और मोदी और योगी सरकार जो संविधान को बदलना चाहती है उसके खिलाफ सड़कों पर उनसे मुकाबला करें। जिसके उपलक्ष में आज हमारे इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले जी अपनी बात को रखने के लिए आई हैं और नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीम खान साहब भी मौजूद हैं। वो लोग भी आज संविधान पे क्या खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर के भी अपनी बात रखेंगे। वैसे आप क्या एक राय देना चाहेंगे कि किस तरीके से संविधान में बदलाव होना चाहिए, किस तरह से ऐसे संविधान को मजबूत किया जाए तो देश में जो है इस जो घटनाएं हो रही हैं उस पे एक लगाम कसा जा सकेगा? देखिए, देश के अंदर तो पूर्ण रूप से संविधान अभी तक लागू ही नहीं किया गया। पूरा संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन भारत एक हो पाएगा, भारत के अंदर एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारा बन पाएगा। और रही बात जो कानून व्यवस्था जो आपने कहा कि ये क्यों खराब है, ये विल पावर की जरूरत है। कानून में चाहे जितने आप अमेंडमेंट कर दीजिए, सरकारों के अंदर जब बलात्कारी मौजूद रहेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद जैसे लोग जब सरकार के अंदर मौजूद रहेंगे तो योगी और मोदी के अंदर वो विल पावर नहीं है कि वो कानून को सख्त कर पाए। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान ने उन्नाव हादसे का जिक्र किया और शासन प्रशासन पर निशाना साधा। देखिए, जो आज ये प्रोग्राम रखा है ताहिर भाई ने, मैं समझता हूँ कि इस आज जो संविधान की बात हो रही है, अभी आप बोल रहे थे संविधान के ऊपर, अगर ये संविधान ना होता तो शायद हम ना होते, हमारा समाज ना होता, दलित समाज ना होता, हम लोग ना होते। तो संविधान आज जिस तरीके से खतरे में है और संविधान से हट के जो चीज़ें हो रही हैं उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और अब हिंदुस्तान के हर उस शख्स को सड़क पर आने की ज़रूरत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना चाहता है। हमारा तो टाइम हमने काट दिया, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए अगर आपको लड़ाई कुछ बदलाव करना है तो आज सड़कों पर करना पड़ेगा। जिस तरीके से NRC के ऊपर बातें चल रही हैं, NRC में सारे समाज की बात की जा रही है लेकिन एक विशेषकर एक समाज की कोई बात नहीं हो रही है, जिस तरीके से डराया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब सड़कों पर उतरने का टाइम आ गया है। और जो संविधान, जो भी हमको संविधान इजाज़त देता है उस संविधान के तहत हम लड़ाई लड़ने का काम करें। क्या कदम उठाने वाले हैं आपको? अभी जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं आप देख रहे हैं कि एक हैदराबाद के बाद उन्नाव में हुआ, उन्नाव में लगातार 2-3 घटनाएं हो गई। कल मैं उन्नाव गया था, उस परिवार से मिला था मैं। उस परिवार से मिलने के बाद में मैं जब जा रहा था तो रास्ते बड़े ख़राब रास्ते से मुझे जाना पड़ा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ उस परिवार को मैंने देखा है, बदहाली देखा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला शायद वो पहला परिवार होगा, इतना गरीब परिवार था और उसके साथ जो जुल्म जाती हुई इसी सरकार में हुई। तो अब वक्त आ गया है कि लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ये किसी एक समाज के लिए नहीं, ये दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, हम लोग सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सबको एकजुट करेंगे। ये नहीं कि भाषणबाजी हुई, लोगों को समझाया, लोग समझे और बात करके गए। आज जो यहाँ सुन के जा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है और हम सब लोग मिलकर जब लड़ाई लड़ेंगे तभी अमल होगा। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ना विकास और ना ही कानून व्यवस्था? कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो सामने है सबके। NRC के तहत लोगों को डराया जा रहा है। हम लोग NRC के ऊपर आंदोलन छेड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और रोज रोज मरने से बेहतर अगर सरकार मारना चाहे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, एक ही दिन में मारते हैं, लेकिन हम सड़क पर उतरेंगे NRC को।
वहीं इस दौरान पूर्व सांसद साध्वी सावित्री बाई फूले ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है। व्यवस्था पे एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, तो किस तरीके से आप चाहेंगे कि कानून में बदलाव एक आए? देखिए, हमारा भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष संविधान है, जिसमें सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, और चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी जात धर्म संप्रदाय के हों, सबको बराबर का हक है। लेकिन आज इस आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार में ना तो हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं, ना तो मुस्लिम सुरक्षित हैं, ना तो अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित हैं, ना तो पिछड़ी जाति के लोग सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। सभी अपने को असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो कहना चाहती हूँ कि भारत में इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार में हमारा भारत का गणराज्य सुरक्षित नहीं है, हमारा भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है। आज आरएसएस की सरकार, मैं तो स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि आरएसएस की सरकार ये भारत के संविधान को नहीं मानती, बल्कि ये मनुस्मृति को मानती है। मनुस्मृति में गैर बराबरी है, छुआछूत है, भेदभाव है, छल कपट है, अन्याय अत्याचार के तहत इस देश का संचालन करने का काम आज की केंद्र की सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर हमारा भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है, जिस संविधान के तहत देश में सबको बराबरी का हक है, और उस हक को अब छीनने की साजिश हो रही है, और जिस तरीके से कभी अनुसूचित जात पिछड़ी जात जनजाति के लोगों को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी अनुसूचित और कभी मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी महिलाओं को टारगेट बना करके आज पूरे देश में टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से पढ़ने को सुनने को देखने को मिल रहा होगा कि जो घटनाएं घट रही हैं। अगर इस देश का बहुजन समाज, देश का मुस्लिम समाज, अनुसूचित जात जनजात पिछड़ी जात महिलाएं अपने हक के लिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब हमारे पास आंदोलन के अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है। ये बहुजन मुस्लिम महासभा के साथ में मिलकर कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है? ये भारत लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों का बराबर का हक है। भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग जो अपने को असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, आज सबको अपने हक अपनी हिफाजत के लिए एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए अब कुछ करना चाहिए। उसी उद्देश्य से आज हम सभी मुस्लिम महासभा की इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, और निश्चित रूप से 19 जनवरी को एक बड़ा फैसला हम सब लोग मिलकर के लेने जा रहे हैं। अब भारत में आंदोलन के अलावा और कोई चारा नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई जब जब लड़ी गई है, तभी देश में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग जिस दिन अपुट कर खड़े हुए हैं, तभी इस देश में अत्याचार करने वाले लोगों को मुंह खानी पड़ी है और देश को छोड़कर के जाना पड़ा है। आज जिस तरीके से आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, जो देश में लोकतंत्र की हत्या करके और राजतंत्र की तरीके से जो आदेश लागू करती जा रही है, इससे पूरे देश और पूरी आवाम अपने को असुरक्षा महसूस कर रही है। ऐसी स्थिति में सभी एकजुट होकर के अब आंदोलन के लिए हम सब कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से उन्नाव में जो रेप कांड हुआ, उससे साक्षी महाराज ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा है कि उसमें जो आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस ने अपना काम कर दिया है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? मैं तो कहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में महिलाओं के लिए व्यवस्था और कानून नहीं दिए होते तो हमारी महिलाओं के लिए, तो आप लोग सभी इतिहास जानते होंगे, तो था कि गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, सामूहिक हत्याएं होती थी, सामूहिक बलात्कार होते थे। ये तो भारत के संविधान के तहत आज सबको सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, राजतंत्र लागू किया जा रहा है। जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है, वहीं पर आज खुलेआम दिन दहाड़े महिलाओं और बेटियों का बलात्कार करके उनको आग लगा करके जिंदा जलाया जा रहा है।
जिस तरीके से हालात पूरे देश में हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी माँ बहनों की हिफाजत नहीं हो रही है, इसलिए अब देश की महिलाएं जो अब तक घरों में बैठकर अपनी घर की और परिवार की सेवा करती थी, लेकिन अब देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए अब वो भी सड़कों पर निकलना शुरू कर दी हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी देश की महिलाओं की मातृशक्ति का कि वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के हो, अपनी हिफाजत के लिए और अपने हक के लिए, अपनी भागीदारी के लिए अब सबको सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। ये थी लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।